नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं बजट पर चर्चा। आज हम बजट पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज 2022 का बजट पेश हुआ है और ये काफी अहम है। देश की वित्त मंत्री जब भी आम बजट पेश करती है तो आम आदमी की निगाह सिर्फ इस बात पर टिकी होती है कि उसकी जेब को राहत मिली है या खर्च का बोझ बढ़ गया है। कई चीजों में छूट दी गई है तो कुछ क्षेत्रों में कई बदलाव भी किए गए हैं, जैसे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मिडिल क्लास को क्या कुछ चीजों में मायूसी हाथ लगी है। वहीं महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस बात का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। चुनाव का माहौल भी है और कई ऐसे मुद्दे थे, वो चाहे महंगाई के हो, बेरोजगारी के हो, या फिर कई ऐसी चीजें थी जिसका ध्यान रखा गया है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस चुनाव में लुभाने की कोशिश की जा रही है वोटरों को। तो वहीं इस बजट में एक चीज और निकल के खास आई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को राहत मिली है, किसानों को भी लाभ देने की कोशिश की गई है। इस साल का बजट पिछले साल से कितना बेहतर हुआ है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने अर्थशास्त्रियों से। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि जो बजट आज पेश किया गया है उससे आम आदमी पर कितना असर पड़ा है, कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से इस चीज पर कि कौन कौन सी चीजें महंगी और सस्ती हुई है आज के बजट में, क्या कुछ रहा खास। तो महंगा होने वाला है सामान जिसमें छाता है, विदेशी छाता, कैपिटल गुड्स, ये सामान महंगे होंगे। कैपिटल गुड्स महंगी होगी, बिना वेल्डिंग वाले फ्यूल यानी कि जिसमें पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी, ज्वेलरी भी महंगी होगी, महंगे होने वाले सामान। विदेश से आने वाली मशीनें, इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। कपड़ा और चमड़े का सामान होगा सस्ता। तो सस्ते होने वाले सामान की लिस्ट बताते हैं। खेती के उपकरण, जितने भी खेती से जुड़े उपकरण हैं वो सस्ते होंगे। मोबाइल और चार्जर, तो इनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी, इनके दाम में भी कमी दर्ज की जाएगी। जूते चप्पल भी होंगे सस्ते। तो 2022 के बजट में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आम आदमी को राहत देंगी। पैकेजिंग के डब्बे, इनके दाम में भी देखने को मिलेगी कमी। ज्वेलरी, सस्ता होने वाला सामान में ज्वेलरी भी शामिल है। तो ये वो सामान थे जो कि आने वाले समय में सस्ते होंगे। इनका जो बजट आज पेश किया गया है उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और हमारे साथ आज बजट पर चर्चा के लिए दो अर्थशास्त्री मौजूद हैं। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं और भूपेंद्र तिवारी जी मौजूद है। दोनों ही अर्थशास्त्री हैं और उन दोनों से ही आज हम बजट पर चर्चा करेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस बजट की चर्चा में स्वागत है। तो इस बार का बजट कैसा माना जा रहा है, अर्थव्यवस्था पर नए बजट का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया। भूपेंद्र जी, ब्लूप्रिंट देने के साथ साथ इसको वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि ये आगामी 100 सालों के लिए एक रोड मैप भी होगा जी। और इस बजट को पिछले बजट से अगर तुलना करें तो 14% में वृद्धि भी की गई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो उम्मीद थी कि ये चुनावी पांच राज्यों में चुनाव हो रहा है, चुनावी बजट होगा, बहुत बड़ी बड़ी बजट को लेकर एक चीज अच्छी कृषि को लेकर के जो अच्छी बात की गई है वो है
सौ गति जलशक्ति कार्गो टर्मिनल का जो निर्माण करने की बात की गई है, उससे ये होगा कि खास करके जो कच्चे माल होते हैं, टमाटर है, प्याज है या सब्जियां है, तो यदि किस तरह के प्रसंस्करण उद्योग जो है उसको एक बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि साउथ का अगर फल और सब्जियां बहुत जल्दी से नॉर्थ में पहुंच जाएंगी, नॉर्थ का सब्जी साउथ में पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंच जाएगा, तो एक तो खराब होने से बचेंगे अच्छे जी। दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि इस बार का नया बजट आया है और माना जा रहा है कि आम आदमी को कुछ राहत मिली है, तो पिछली बार की बजट की तुलना में इस बार क्या कुछ खास है और कितनी ज्यादा राहत मिली पिछली बार की बजट से? शिखा जी, मैं आपके व्यूज से इतफाक नहीं रखता हूँ। आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है इसमें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जो दो चार चीजों के नाम आपने गिनाए हैं उनके यूजर्स बहुत कम सेगमेंट के लोग हैं। आम बजट से आम आदमी की बड़ी उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें दो चीजों को लेकर ज्यादा होती हैं, कि टैक्स रेट्स में उसे कहीं कोई छूट मिले। जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो टैक्स पेयर है, 10-20% 30% के स्लैब में आता है, वो ये चाहता है कि या तो उसकी एग्जम्पशन लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाए या टैक्स रेट्स में कहीं कोई रिडक्शन हो जाए। ये दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं। तीसरा, जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, जो जीएसटी के कलेक्शंस को सरकार के खजाने तक पहुंचाता है, और जो बिजनेसमैन है जो कलेक्शन को पब्लिक से लेकर के सरकार को देने का काम करता है, इन दोनों को भी कहीं कोई राहत नहीं है। जीएसटी रेट्स को लेकर के कहीं कोई राहत नहीं है, जीएसटी की कंप्लायंसेस को लेकर के कहीं कोई राहत नहीं है, बिजनेसमैन की नजर से अगर देखा जाए तो कहीं कोई राहत नहीं है। देखिए, किसानों के लिए जो किया है करना चाहिए वो अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इस देश की इकोनॉमी में सिर्फ किसानों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बिजनेसमैन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और आम टैक्स पेयर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आम टैक्स पेयर जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इनडायरेक्टली वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन हम जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आम जनता को, जो मिडिल क्लास है, स्पेशली मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा, क्योंकि जो लोअर क्लास होता है वो टैक्स तो नहीं देता है, इसलिए उसके लिए टैक्स के रेट घटे या बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं उन स्कीम्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। उनके लिए आवास योजना का 48,000 करोड़ का बजट कर दिया गया है जी। जल से नल की योजना पे, नल से जल की योजना पर काफी पैसा लगाया गया है। बिजनेस क्लास को लेकर के बहुत ज्यादा रिफॉर्म इस बजट के अंदर नहीं है, छोटा छोटा बेनिफिट दिया गया, जैसे एमएसएमई का जो टैक्स हॉलीडे था वो 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया जी। या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को थोड़ा सा टैक्स बढ़ाने की बात कर दी गई। कस्टम्स ड्यूटी अगर कम करी गई तो वो जेम्स के ऊपर करी गई है, वो जेम्स खरीदने कितने लोग हैं वो अपर क्लास की बातें हैं, लोअर क्लास या मिडिल क्लास हीरे जवाहरात नहीं खरीदता है, तो उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल जो आम आदमी है, जो एक बड़ा तबका है इस देश का जिसको बजट से आशाएं होती हैं और जिसको इनकम टैक्स में छूट से या जीएसटी के रेट से छूट से फायदा हो सकता है, वो फायदा आम जनता को नहीं मिला है जी। भूपेंद्र जी, युवाओं को फायदा देने की बात भी कही गई है इस बजट के दौरान, आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख युवाओं को नौकरी दी जाने की बात कही गई है, किस तरह से देखते हैं? दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से इसे चुनावी दौरान बोला जा रहा है कि वोटरों को लुभाने की कोशिश रहेगी, रोजगार की बात भी कही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा विपक्ष द्वारा रोजगार का उठाया जाता है, तो, और साथ ही साथ चुनावी माहौल है और किसानों, जो किसान नाराज थे, अभी आंदोलन भी देखने को मिल रहा था, तो नाराज थे तो उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी की जा रही है, तो दिलीप जी किस तरह से देखते हैं? तो शिखा जी, मैं क्या ये मान लूं कि सरकार उन्हीं को बेनिफिट देगी जो लोग नाराजगी जताएंगे, जो लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो हड़ताल करेंगे, जो रोड ब्लॉक कर देंगे जी। किसानों को आपने फायदा पहुंचाया उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। किसानों को फायदा देना चाहिए, लेकिन किसान ही इस देश में नहीं रहता है जी। इस देश के अंदर आम जनता भी रहती है, जो रोजमर्रा के छोटे छोटे धंधे करती है, छोटे बिजनेस करती है, छोटी नौकरियां करती है, जो किसी तरीके से अपने व्यापार को चला रहे हैं। कोरोना की वजह से जो मिडिल क्लास का व्यापारी है उसके ऊपर वैसे भी बहुत बड़ा बोझा पड़ा है, वो बोझा कहीं से कम नहीं हो रहा है, और आपने किसानों को छूट दे दी है, किसानों को फायदा दे दिया, तो किसानों को फायदा इसलिए दिया है क्योंकि किसान आपसे नाराज था, 5 प्रदेशों में चुनाव है, तो आपने किसानों की नाराजगी को साधने के लिए उसको बेनिफिट दे दिया। और किसानों को बेनिफिट देने की बात को देखते हुए बजट आएगा तो वो क्या सही साबित हो रहा है?
हाँ बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूं अगर राजनीति के चश्मे से देखिए तो ये बजट बहुत अच्छा है। जी किसानों को फायदा दिया गया, पीएम आवास योजना पर 48,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है बजट का, जो नल से जल की योजना है उस पर काफी बजट एलोकेट किया गया है। तो ये फायदा किसको मिलेगा? ये फायदा जिनको भी मिलेगा उनको फायदा मिलना चाहिए, मुझे इनके फायदे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फायदे का जो नुकसान है वो नुकसान किसको होगा? वो मिडिल क्लास टैक्सपेयर को होगा। तो आपने मिडिल क्लास टैक्सपेयर को कहीं से कंपेंसेट नहीं किया, लोअर क्लास को फायदा पहुंचाएंगे और उसका फायदा, पॉलिटिकल फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा, बिल्कुल उनको भर भर के वोट मिलेगा, उनकी सरकारें बनेंगी। तो जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, वो किसके आगे हाथ फैलाएगा? उसकी उम्मीदें भी तो इसी सरकार से हैं, उसने भी तो वोट सरकार को इसीलिए दिया था कि सरकार बैठेगी तो हमारे लिए भी कुछ करेगी, हमारे भविष्य के लिए, हमारी महंगाई के लिए, हमारी जेब पे जो खराब असर पड़ रहा है उस खराब असर को सही करने की जिम्मेदारी भी तो इसी सरकार के ऊपर है। हम भी तो इसी बजट से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदों पर तो ये बजट बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। जी बिल्कुल, आम आदमी के लिए तो काफी निराशाजनक रहा है। भूपेंद्र जी, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र पर बजट में ध्यान दिया गया है, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना रहेगी, तो ये कितना क्रांतिकारी शिक्षा के क्षेत्र में साबित हो सकता है कदम? हाँ जी, मैं अपने पहले वाली बात में यही कह रहा था कि कोरोना काल में शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और परिवहन का क्षेत्र रहा है। तो महिला किसान और यूथ को ध्यान में रखते हुए जो अब की बार शिक्षा के क्षेत्र को विशेष टारगेट किया गया है, उसमें शुरुआत की गई कि 100 ऐसे जो 200 नए चैनल शुरू किए जाएंगे, जो अभी तक 12 चैनल थे, यानी एक वन क्लास वन चैनल की बात की जा रही है। दूसरा, आपने देखा कि सस्ती होने वाले सामान है उसमें मोबाइल और चार्जर को भी शामिल किया गया है, क्योंकि युवाओं बन सके और उनको इसका लाभ मिल सके, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अभी एक चीज करने की उम्मीद हम लोग कर रहे थे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई तो हो जा रही है, लेकिन कुछ जैसे साइंस के पेपर है या टेक्नोलॉजी के पेपर है जहाँ प्रैक्टिकल है, तो वहां पर वर्चुअल लैब स्थापित करने की बात शायद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ किया जाएगा। यद्यपि सरकार ने एक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी बात करी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात करी है, जिससे युवाओं का रुझान एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ सके। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए 60 लाख नौकरियों के सृजन की भी बात करी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना काल में प्रभावित जो था वो युवा वर्ग ही था, जो नई नौकरियों को तलाश रहा था। कुछ ऐसे युवा वर्ग थे जो जिनकी नौकरी चली गई या जिनका सैलरी आधी कर दी गई या 40% उनके कटौती कर दी गई, तो उनको लेकर के कुछ डिक्लेरेशन करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन शायद उसमें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। सरकार ने उतना ज्यादा ध्यान इस पर फोकस नहीं किया है। जी, जिस तरह से भविष्य को देखकर शहरी विकास को जरूरी बताया गया है, वित्त मंत्री ने टायर 2 टायर 3 शहरों में आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, तो क्या असर देखने को मिलेगा? क्या इससे पलायन पर असर पड़ेगा? नहीं, आप ध्यान दीजिए कि जी देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें, युवाओं को ध्यान में रख करके पलायन जहां से होता, क्यों होता पलायन? अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। जी अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट में एमएसएम जो ये आपका सीएमआई का डेटा देखें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा कहता है कि दिसंबर में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 7.91%, जो जनवरी में घट करके थोड़ा सा घटा है, 6.5% पर आया है। जी। और उसमें भी मजे की बात यह है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट तो 8.16% है, जबकि रूरल एम्प्लॉयमेंट 5.8% है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका कंट्रीब्यूशन आप याद करिए कि तो 1950 में जहां पर इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, करीब 54% के आसपास होता था, आज आज इस इसका कंट्रीब्यूशन 14% के आसपास है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने में काफी भूमिका निभाई है। तो पलायन को रोकते हुए कि एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने की बात किया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो यूपी का था उसको सरकार ने अब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के रूप में पूरे ऑल ओवर नेशन में स्थापित करने जा रही है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा हुआ है। और जो ये एमएसएमई सेक्टर को लेकर के जो क्रेडिट लाइफ स्कीम शुरू किया गया है, ये भी युवाओं को अपने रोजगार शुरू करने के प्रति थोड़ा सा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का माहौल उपलब्ध कराएगा। जी। यानी उनको थोड़ा सा फाइनेंस उपलब्ध होगा तो वो शायद अपना रोजगार शुरू कर पाएंगे। और
विनिवेश की भी बात की जा रही है, तो लेकिन एक तो थोड़ा सा मुझे कंट्राडिक्शन ये लगता था कि एक तरफ सरकार विनिवेश करके पैसा भी जुटाना चाहती है, यानी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंपना चाह रही है, दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो नए सृजित पद हैं उनको भरने की कोशिश की जा रही है। तो ये नौकरियां 60 लाख नौकरियों का सृजन होगा कहाँ से, ये थोड़ा सा मेरे को नहीं समझ में आया कि ये कंट्राडिक्शन सरकार क्यों कर रही है कि एक तरफ विनिवेश की बात करते हैं, दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग की से पदों को भरने की बात करते हैं, तीसरी तरफ कहते हैं हम 60 लाख नौकरियों का सृजन भी करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे इसमें कंट्राडिक्शन है। मुझे यहाँ पर सरकार की थोड़ी सी पॉलिसी अस्पष्ट नजर आई। हो सकता है कि अभी ये हम जो बात कर रहे हैं ये बजट भाषण पर है, जब बजट का डिटेल आए तो उसमें हो सकता है कुछ स्पष्टीकरण इसमें दिया गया होगा। बिल्कुल दिलीप जी, एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किए जाने की बात भी कही है, कैसे देखते हैं? शिखा जी सवाल दोहरा दीजिए अपना, मैं सुन नहीं पाया। एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किए जाने की बात भी कही गई है आज जब संसद में बजट पेश किया जा रहा था, किस तरह से देखते हैं, कितना अहम रहेगा ये? मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। एयर इंडिया पहले भी सरकार का नहीं था, सरकार ने उसे इन्वेस्टमेंट करके उसके स्टेक खरीदे थे और उसके बाद लगातार एयर इंडिया घाटे में जा रही थी। तो अगर एयर इंडिया घाटे में जा रही है और सरकार डिस इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके कहीं और इन्वेस्ट करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और एयर इंडिया आज टाटा ने ले लिया है, प्राइवेट हैंड्स में चला गया है, सेवाएं बेहतर होंगी। तो जो डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था सरकार का, अगर वहां से वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके कहीं और एलोकेशन करना चाहते हैं बजट का, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के हिसाब से दी जानी चाहिए, अगर उस न्याय पर ये पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो डिस इन्वेस्टमेंट में कोई बुराई नहीं है। और ये इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट ये प्रोसेस है। आज अगर आपको फायदा दिख रहा है तो आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, कल नुकसान दिख रहा है तो आप डिस इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो इसके लिए सरकार को विपक्षी पार्टियां जरूर क्रिटिसाइज करती हैं, बट मैं इसको बहुत पॉजिटिव एंगल से देखता हूं कि सरकार अगर ये लगता है कि वहां पैसा रखने से नुकसान हो रहा है, नुकसान कर रहा है, प्लस इंप्लॉयज की जो कंटिन्यूअस लायबिलिटी होती है, सैलरी की लायबिलिटी होती है, जो सोशल सिक्योरिटी की लायबिलिटी होती है, अगर उन लायबिलिटी से सरकार को छूट मिल रही है, उसे मुक्ति मिल रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में कोई बुराई नहीं है। और जो रेलवे का पीपीपी मॉडल बताया जा रहा है, जो ये आ रहा है, और इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए शिखा जी, मेरा ये मानना है कि सरकार प्लानिंग कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार की जो भी प्लानिंग हो वो जनता के हित में होनी चाहिए। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, चाहे वो पीपीपी मॉडल पे चले और चाहे गवर्नमेंट चलाए, हमारा हमारा जो कंसर्न होना चाहिए, वो पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए और हमें उसकी एडिशनल कॉस्ट ना बियर करनी पड़े, हमारी जेब पे कोई एडिशनल फर्क ना पड़े। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो जो भी चीजें पब्लिक के हित की हैं वो चाहे सरकार के द्वारा मुहैया करे जाएं, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा करे जाएं, या पीपीपी मॉडल पे कराई जाएं, ये मॉडल से फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को सुविधा मिले और उसको एडिशनल कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। भूपेंद्र जी, आज का जो बजट आया, इसके आने से पहले ही शेयर मार्केट में काफी उठा पटक देखने को मिली है, तो आने वाले समय में शेयर मार्केट में क्या हाल रह सकता है और इस वक्त जो हाल है उससे कितना असर पड़ेगा शेयर होल्डर्स को? नहीं देखिए, शेयर मार्केट जो है वो तुरंत प्रॉफिट को ध्यान में रखता है। एक्चुअल में जब बजट पेश हो रहा था तो इस बजट में बहुत सारी बातों को दूर उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा होता है। जैसे हम बात करें इन्वेस्टमेंट की जी, तो सरकार ने एक टारगेट रखा है कि हमारी ग्रोथ रेट 9.2% का टारगेट लेकर के हम चलेंगे और उसके लिए सरकार ने हाईवेज और आईवेज, जो आप याद होगा आपको नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हाईवे के साथ साथ आईवेज का विकास हो जी। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि अगर हम किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ को पर असर नहीं डालता। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो उसका दूरगामी असर पड़ता है, उसको ग्रोथ रेट हमारा उससे बहुत तेजी से बढ़ता है। तो सरकार ने इसीलिए आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, 400 वंदे भारत ट्रेनों को अगले 2-3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, हाईवेज के निर्माण की बात की जा रही है अगले 5 सालों में। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो ग्रोथ रेट हमारा अभी तक बहुत लोअर चला गया था, खास करके कोरोना काल में माइनस में चला गया था, उसके रिकवरी की बात की जा रही है। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख करके देखें तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़ा दूरगामी बात की जा रही है
और थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर को केवल एक काम किया गया कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो लोग सोच रहे थे कि टैक्सेस को लेकर के बात की जाएगी, थोड़ा सा वहां अस्पष्ट लोगों को एक नजरिया होता है। देखिए जीएसटी में जो चेंजेज हो सकते हैं वो जीएसटी काउंसिल कर सकता है। पहले जो चेंजेज होते थे टैक्स में, टैक्स स्ट्रक्चर में, वो बजट में अनाउंस किए जाते थे, लेकिन अब हमारा टैक्स सिस्टम चेंज हो गया है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब टैक्स को लेकर के अगर कोई घोषणा होती है तो जीएसटी काउंसिल के थ्रू हो सकती है जी। तो ये शायद लोगों के बीच में एक ऊहापोह की स्थिति थी, करे इसमें तो टैक्स को लेकर के कोई बात ही नहीं की गई, तो कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर के बात की गई है कि 18% से घटा करके 15% किया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस कॉर्पोरेट टैक्स का फायदा केवल बड़े उद्योगों को ही मिलेगा, एमएसएमई को नहीं मिलेगा जी। तो यहाँ पर इसीलिए शेयर मार्केट में थोड़ा सा निराशाजनक भाव रहा और एक बार शेयर मार्केट टूटा है। लेकिन जैसे जैसे चीजें ये बजट का डिटेल निकल करके आएगा सामने सबके और चीजें स्पष्ट होंगी तो ये एक बार शेयर मार्केट फिर से रिकवरी करेगा। जैसे लोगों को ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आज देखिए चाइना का ग्रोथ रेट हम 4.5% है ड्यू टू कोरोना, जबकि उसका ग्रोथ रेट पिछली साल 8.1% था। इवन कोरोना काल के बाद भी ये कहा जा रहा था कि चाइना के ग्रोथ रेट पे कोई असर नहीं पड़ा है, तो लेकिन हमने हमारे कोरोना काल में ग्रोथ रेट पर असर पड़ा, इसके बावजूद हम रिकवरी फेज में हैं जी। तो वो उसका रिकवरी फेज कहां से आया, या तो एग्रीकल्चर से या इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर इतना सरकार नहीं फोकस करेगी तो ये रिकवरी फेज हमारा आना बड़ा भारी पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए जी। दिलीप जी, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, कितना असर देखने को मिलेगा आईपीओ का? एलआईसी के आईपीओ से आम जनता को फायदा होगा तब जब वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए और एलआईसी का आईपीओ आएगा ये मार्केट में कितना बूम लेकर के आएगा, कि हालांकि एलआईसी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छा खासा फंड है, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको फायदा जरूर होगा आईपीओ आ जाने से, लेकिन उसका आम बजट से कोई लेना देना नहीं। देखिए आईपीओ एक प्रोसेस है जो हमेशा आता रहता है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आज खाली दशकों बाद एलआईसी का आईपीओ आने जा रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वो टाइम टू टाइम स्टार्टअप्स हर हफ्ते हर 15 दिन पे किसी ना किसी कंपनी का आईपीओ आता ही रहता है। तो एलआईसी का आईपीओ आना कोई इतना बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं डालेगा। और जो अभी आप शेयर मार्केट की बात कर रहे थे, शेयर मार्केट पिछले कुछ दिनों से करीब मुझे लगता है 1100-1200 पॉइंट नीचे गिरा हुआ था, आज बजट आते समय वो थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन उसके बाद जब बजट में बहुत ज्यादा चीजें आम जनता को लेकर के नहीं थी तो वो फिर से फ्लैट है। उसमें सेंसेक्स में कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया, जनरली होता था कि बजट आने के बाद सेंसेक्स बढ़ता था, इस बार सेंसेक्स में उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला जी। और जिस तरह से आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी लाएगी, इस पे क्या विचार है, इससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा, हम क्या हाईटेक होंगे या फिर कुछ अलग ही तरफ जाएगी हमारी करेंसी? नहीं देखिए, आज जो जो डिजिटल करेंसी की बात करी जा रही है, पहली बात तो डिजिटल करेंसी मुझे जो समझ में आता है वो क्रिप्टो करेंसी का ही एक फॉर्म है। जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी थोड़े दिन पहले हमारे संसद में काफी बहस हुई थी और ये हुआ था कि जो क्रिप्टो करेंसी हो भारत में बैन कर दी जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंडिया में कोई लॉ नहीं था। ऑल्दो इंडिया से रेगुलेट हो रही, इंडिया का अच्छा खासा कई 1000 करोड़ रुपया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड है इंडियन इन्वेस्टर्स का, उसके बावजूद भी वहां पर कोई रेगुलेशन नहीं थे। उसी को लेकर के संसद में ये कहा गया था कि अब आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर के आएगी, अपनी डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी। तो डिजिटल करेंसी लाना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने, अभी उसको लेकर के कोई रेगुलेशंस नहीं आए हैं बजट में, वो कैसे रेगुलेट होगी, क्या लॉ होंगे, उसको लेकर के कोई बात नहीं करी गई है। लेकिन हाँ, उसके टैक्सेशन को लेकर के जरूर बात कर दी गई कि 30% का टैक्स होगा, 1% का टीडीएस होगा, और अगर वो डिजिटल करेंसी आप किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं तो वो गिफ्ट भी टैक्सेबल होगा। चीजें जितनी भी टेक्नोलॉजिकली डेवलप होती हैं वो सारी की सारी अच्छे के लिए करी जाती हैं, प्लानिंग हमेशा अच्छे के लिए होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है अगर वो प्लानिंग के हिसाब से हो जाता है तो नेचुरली वो जनता को फायदा देती है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जो डिजिटल करेंसी है, वो डिजिटल करेंसी हम जब बजट की बात करेंगे, स्पेशली बजट की बात करेंगे, तो बजट हम आम जनता की नजर से देखते हैं, तो आम जनता को यहाँ पर कुछ भी ऐसा रिलीफ नहीं मिला है जिसको कहा जाए कि हाँ बजट आने से आम जनता के लिए ये चीजें बदल जाएंगी और बेहतरी की तरफ हो जाएंगी जी। भूपेंद्र जी, 5G सेवा शुरू होगी, ये भी बात अभी निकल के सामने आई है और जल्द ही होने वाली है, ये तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन क्या 5G आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर पे कोई असर पड़ेगा और इस बजट से क्या लेना देना रहेगा?
5G पर आने से आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो अभी आपने दिलीप जी से सवाल किया था जी। पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि जो RBI डिक्लेयर करने जा रही है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने 30% के टैक्स की बात करी है। इवन की अगर आप लॉस में भी जाते हैं तो आपको 30% टैक्स तब भी चुकाना पड़ेगा जी। ये वर्चुअल करेंसी है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है और उसको माइन किया जाता है जी। और उस पर किसी का रेगुलेशन नहीं होता है। और जो RBI लाने जा रही है वो वर्चुअल करेंसी है, उस पर RBI रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होंगे और वो RBI उसको रेगुलेट करेगी जी। तो ये दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी मीन्स वर्चुअल करेंसी। और रही बात आप 5G की बात करने जा रहे हैं, तो हमने पहले ही कहा है कि अगर हमें सटीक भविष्यवाणी कृषि को लेकर के है और जैसे न्यू नॉर्मल में अगर इस कोरोना काल के बाद जिसको हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं कि कभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, कभी डेल्टा 2 वेरिएंट आ रहा है और कभी न्यू कोप की नई बात की जा रही है, भविष्य में आने की बात की जा रही है जी। तो न्यू नॉर्मल को ध्यान में रखते हुए अब हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, एक ऐसे जगह की बात करनी, प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है कि जहां हम डेटा का ट्रांजेक्शन बड़ी तेजी से कर सके। तो 5G टेक्नोलॉजी आ जाने से हमारे यहाँ उसका थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर पर बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। एविएशन सेक्टर खास करके इससे प्रभावित जरूर हो रहा था क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी खास करके कुछ देशों में वो मैच कर रही थी, तो उसको लेकर के जो ध्यान में रख करके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया गया है। अमेरिका में ये प्रॉब्लम ज्यादा आई थी, इंडिया में तो खैर फ्रिक्वेंसी बैंडविथ इन दोनों का बैंडविथ अलग अलग था, तो इसलिए इंडिया में उनको लेकर के कोई ऐसी उहापोह की स्थिति नहीं है जी। और मौसम की सटीक भविष्यवाणी की बात जहां तक है और सूचनाओं के आदान प्रदान की बात जहां तक है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये 5G आने से हमारी तेज होगी। इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो हमारे एक्चुअल टाइम पर हो पाएंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के डिजिटलाइजेशन की बात जहां तक हम किए जा रहे हैं, तो सरकार ने अभी आपने याद होगा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक शुरू करने जा रही है, तो ये बैंकिंग सेक्टर में भी जो रिफॉर्म की बात की जा रही है डिजिटलाइजेशन की, वो 5G आने से काफी उसमें मदद मिलेगी जी। दिलीप जी, जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटेगी इस बात का अनुमान भी लगाया जा रहा है, आज बजट के दौरान ये बात भी निकल के सामने आई है, तो घरेलू सिलेंडर की तरफ ध्यान नहीं दिया है वित्त मंत्री ने, क्या कहेंगे इस पे? इसमें कहने की क्या बात है सिकादी, घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वो अभी बढ़ेगा। अभी चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, फिर सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे घटेंगे तो नहीं। और ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं सिखा जी जिनका आप बजट से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, ये सारे दाम साल में दसियों बार घटते हैं और बढ़ते हैं, घटते नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, दसियों बार बढ़ते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो घट जाते हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ रहे थे और अभी चुनाव से कुछ दिन पहले जो है वो घटा दिए गए। तो ये चीजें सरकार को पता होती हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चन यही आता है कि सरकार का जो भी विजन होता है वो बहुत सारा पॉलिटिकल ओरिएंटेड होता है, वोट ओरिएंटेड होता है जी। और वो ये देखते हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि बिजली के दर घटेगी, बिजली सस्ती हो सकती है, तो बिजली तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में सस्ती हो गई है, अब इससे ज्यादा क्या सस्ती करेंगे? अब तो मुझे नहीं उम्मीद है कि सस्ती करेंगे, अब तो 23 तारीख को चुनाव आने वाले हैं, अब तो 10 मार्च के बाद बढ़ेंगे। आप ये देखिएगा अगर दोबारा सरकार रिपीट होती है तो वो सरकार बिजली के दाम बढ़ा देगी, वापस बढ़ा देगी, और ये हमेशा से होता आया है। और ये जो मिडिल क्लास का सेगमेंट है इसका ये बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, ये सरकारें जानती हैं, इसलिए इन पर इनका बहुत ज्यादा कंसर्न भी नहीं रहता है। हम लोग यहाँ बैठ करके एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को जो करना होता है वो बहुत सारी चीजें वोट ओरिएंटेड होती हैं, पॉलिटिक्स ओरिएंटेड होती हैं, और जो निचला तबका होता है, जो उनको वोट देने जाता है ट्राली में, बस में, ट्रैक्टर में भर के, जिनको वो लेके जाते हैं वोट डलवाने के लिए, उन पर ज्यादा असर होता है। जितनी भी फ्री की स्कीमें होती हैं, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो माइनॉरिटी के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, वो उनको दिया जाता है। उनको बेनिफिट दिए जाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके बेनिफिट का जो बोझा होता है वो मेरी जेब पे पड़ता है, मेरे भविष्य पे पड़ता है, मेरे बच्चों के भविष्य पे पड़ता है। तो मुझे देखना, मेरे भविष्य को देखना, मेरे बच्चों को देखना, ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। मैं इस देश के अलग नहीं हूं,
मैं भी इसी देश का वासी हूं, मैंने भी सरकार को वोट दिया है, मैं से मतलब मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। तो वो जो मिडिल क्लास का तबका है उसको ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी। जो छोटे बिजनेसमैन है जी, जो दुकान खोलते हैं, दुकान चलाते हैं, और अगर लॉकडाउन लग जाता है तो घर की रोटी कैसे चलती है ये वो दुकानदार ही जानता है, जिसके पास ना तो बहुत ज्यादा पैसा है कि वो पैसा लगा करके बहुत दिन खा पाए या पैसा लगा करके अपने बिजनेस को रिवाइव कर पाए। जो जो होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये पिछले 2-3 सालों से कोरोना के बाद से अटल नुकसान में चल रही है। उस इंडस्ट्री को उठाने के लिए कोई स्टेप सरकार ने ले लिया होता तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट के मद्देनजर की जा सकती हैं, बट सरकार क्या सोच के नहीं करती है तो सरकार बेहतर जानती है। लेकिन फिलहाल मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करूंगा कि आम जनता को इस बजट से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसको हम ये कह सके कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है। भूपेंद्र जी दिलीप जी भी कह रहे हैं कि आम जनता को राहत नहीं है इस बजट से। वहीं अगर देखा जाए कि हीरे के गहने जो सस्ते कर दिए गए हैं, क्योंकि इनका उपयोग तो मध्यम वर्ग के या गरीब तबके के लोग नहीं करते हैं, तो कहां से आपको क्या लगता है कि गरीब लोगों को या फिर मध्यम वर्ग के लोगों को कोई राहत मिली है इस बजट से? यहाँ पर बड़ी हास्यास्पद स्थिति है जी। सरकार एक तरफ तो कहती है कि जो लोगों के घरों में सोना पड़ा हुआ है हम उसको बाहर निकाल करके और उसके लिए स्वर्णिम बॉन्ड योजना ला करके, और कहती है कि उसके आधार पर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और उसको बाहर निकाल करके और हम उसके आधार पर अपने करेंसी को बढ़ाएंगे, फॉरेन करेंसी। आप समझिए, इस जो आपका डायमंड है, डायमंड आप इम्पोर्ट करते हो, डायमंड से आपका पैसा बाहर जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम जो डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट है उसको थामने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें इंटरवीन करेंगे और रुपए को थामेंगे, और दूसरी तरफ आप जेम्स ज्वेलरी और डायमंड को सस्ता कर रहे हो। इससे आम लोगों को ये तो जो बड़े लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे और वो पैसे जो मनी आप जो इकोनॉमी में सर्कुलेट करवाना चाह रहे थे और जो इकोनॉमी को जो पैसे को आप कंजम्पशन में खर्च करवाना चाह रहे थे लोगों से कि वो कंजम्पशन में खर्च हो और इकोनॉमी में ग्रोथ रेट जो है बूस्ट हो, वो तो फिर से पैसा ब्लॉक हो जाएगा। वो पैसा जा करके हीरे जवाहरात और इसमें जेम्स में इसमें सब ब्लॉक हो जाएगा। विदेश से आने वाली मशीनें भी सस्ती हो रही है, तो विदेश से जो मशीनें मंगाते हैं तो वो भी मध्यम वर्ग के लोग तो नहीं मंगाते हैं? नहीं, उससे तो देखिए, उससे तो उद्योग जगत को, एमएसएमई को जो मशीनें आती हैं तो उनके साथ टेक्नोलॉजी आती है और नई नई टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उससे तो हमें बेनिफिट, नो डाउट उससे हमें बेनिफिट ही होगा जी। क्योंकि मशीनें आती हैं तो टेक्नोलॉजी आती है और नई टेक्नोलॉजी आने से हमको हमेशा हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और हम जब बढ़िया प्रोडक्शन करेंगे और वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर पाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट अस। ठीक है दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्या कहेंगे, क्या हमारे देश की रैंकिंग बढ़ी है? ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के क्या किया है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब हो सकता है जब आप जो लीगल कंप्लायंसेज हैं, चाहे वो टैक्सेशन लॉज की बात कर लीजिए या अदर लॉज की बात कर लीजिए, उस लॉज में, कंप्लायंसेज में कहीं कोई रिलैक्स हो, कहीं कोई सिंगल विंडो सिस्टम हो कि आज अगर मैं पर्टिकुलर नेचर का व्यापार करने जा रहा हूं, उस पर्टिकुलर नेचर में मुझे 8 तरह की कंप्लायंसेज करनी पड़ते हैं प्री कमेंसमेंट। मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, मुझे पैन नंबर लेना है, मुझे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना है, मुझे स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराना है, मुझे लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर मैं फूड इंडस्ट्री में जा रहा हूं तो मुझे एफएसएसआई की लाइसेंस लेने हैं, अगर मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे सेंट्रल का एफएसएसआई लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सिंगल विंडो सिस्टम पर आ जाती हैं जी। तो हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। जीएसटी को आप देख लीजिए, जीएसटी में आए दिन अमेंडमेंट्स होते हैं, जीएसटी का बजट तो पूरे साल जीएसटी काउंसिल लेकर के आता है, महीने में 4 बार अमेंडमेंट करता है फिर अपने अमेंडमेंट को चेंज करता है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस जब आएंगे कंप्लायंसेस को लेकर के, या कंपनीज एक्ट को ले लीजिए, कंपनीज एक्ट में दिन भर चेंजेस आते रहते हैं, इनकम टैक्स में आए दिन कोई ना कोई चेंजेस आता रहता है तो, और चेंजेस कभी कभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ जाते हैं। आज के बजट में भी 2 या 3 ऐसे जीएसटी के नोटिफिकेशन, एक सीजीएसटी का और एक IGST का, जिसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड किया गया है। तो ये चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कहलाती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि जहां पर व्यापारी अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे पाए, लीगल कंप्लायंसेस कम से कम करनी पड़े उसको, वो
चेकिंग का जो मैकेनिज्म हो वो गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना चाहिए, आप उसको ढील दीजिए बिजनेस करने के लिए। एक तरफ वो बिजनेस करता है आपको रेवेन्यू ला करके देता है, दूसरी तरफ वो कंप्लायंसेस के झंझट में पड़ा रहता है, और कंप्लायंसेस में कहीं कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंस में भी लैप्स हो जाता है तो आप उसको पेनालाइज कर देते हैं। हर चीज को आपने ऑनलाइन सिस्टम पे ला दिया है, अच्छी बात है, फैसिलिटेट हो रहा है आदमी, लेकिन उस ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से आपका आईटी सेक्टर इतना 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 बेस होना तो चाहिए आपके पास। अभी इनकम टैक्स को लेकर के आप देख लीजिए कितने ग्लिचेस थे कि डेट बढ़ती जा रही है फिर डेट बढ़ानी पड़ी, तो ये डेट बढ़ाने का कारण क्या है कि आपका जो सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो सपोर्ट पूरा नहीं है। उस सपोर्ट की गलती की वजह से अगर कहीं कोई मिस चीजें मिस हो जाती हैं तो आप तो आईटी सपोर्ट का बहाना कभी लेते ही नहीं है, आप सीधे टैक्स पेयर को पेनालाइज कर देते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के मतलब मैंने तो न्यूमरस बार चैनल्स पे बोला होगा कि सरकार ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रही है। व्यापारी को सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, सिंगल रजिस्ट्रेशन पे काम कराना चाहिए, आप उस पे चेकिंग प्रॉपर कर दीजिए बस। जी भूपेंद्र जी, टैक्स रेट से मिला पैसा भी जब्त होगा, ये भी एक बड़ी चीज निकल के सामने आई है, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं देखिए, एक सरकार ने उसके पहले एक बात और कही है कि अभी तक जो आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करते थे उस आईटीआर फाइल करने को अभी तक आपके पास करेक्शन का कोई विकल्प नहीं होता था। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया और उसके बाद उसमें आप फिर से कुछ डिक्लेयर करना चाह रहे हैं या मान लीजिए आपने गलती से कुछ कर दिया तो उसमें सुधार करना चाह रहे हैं तो अभी तक कोई विकल्प नहीं था, वो साल भर के अंदर ही आप कर सकते थे जी। लेकिन अभी सरकार ने 2 साल का विकल्प दे दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया है और कोई इनकम आप डिक्लेयर नहीं किए हैं तो उसको 2 साल के अंदर आप करेक्ट करके और अपना टैक्स लायबिलिटी चुका दीजिए। तो इसके इस एक तरफ आपको खिड़की भी प्रदान की जा रही है कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो पहले आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने करेक्ट नहीं किया है और फिर भी आप पकड़े जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि ब्लैक मनी को जब्त करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, मैं तो इसका स्वागत करूंगा एज ए इकोनॉमिस्ट, आई विल अप्रिशिएट। जी दिलीप जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% सरचार्ज लगाया, किस तरह देखते हैं? देखिए अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए तो आम आदमी के पास इन्वेस्टमेंट्स का कोई सोर्स नहीं बचा है अब जी। फिक्स डिपॉजिट एक कॉमन सोर्स हुआ करता था, उसमें आदमी अगर पैसे रखता है तो उसके पैसे की रिटर्न कुछ नहीं मिल रही है, 5% 4% इस तरह के एफडी के रेट्स हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदमी थोड़ा पैसा सिक्योरिटी मार्केट में लगाना चाहता है, म्यूचुअल फंड को सरकार भी प्रमोट करती है, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता है। म्यूचुअल फंड पे पहले जो डिविडेंड्स मिलते थे शेयर्स पे वो टैक्स फ्री होते थे, वो डिविडेंड भी टैक्सेबल हो गए। म्यूचुअल फंड और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ करते थे सिक्योरिटी मार्केट से शेयर से म्यूचुअल फंड से वो 100% टैक्स फ्री होते थे पिछले बजट में, उसको भी 1 लाख तक का एग्जेम्पशन देकर के बाकी को टैक्सेबल कर दिया गया। अब वो सारे जितने भी सिक्योरिटी मार्केट पे थे उनको ला करके 15% पे रोक दिया गया है जी। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी टैक्सेबल था, उसको आपने 15% पे ला करके कैपिंग कर दी है जी। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी हम टैक्स दे रहे थे अब हम 15% पे देंगे, उसको रैशनलाइज कर दिया है उन्होंने, तो कोई बहुत उसका फर्क नहीं दिखाई देगा मुझे, मतलब नहीं दिखाई देता मुझे जी। भूपेंद्र जी, पेंशन जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना भी जोड़ना चाह रहा था कि दिलीप जी ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि एक तरफ तो मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी, 2018 में मेडिकल रिइंबर्समेंट भी खत्म कर दिया और आपने एलटीसी भी खत्म कर दी थी, और इधर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहा है तो आप उस इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपने रेट बढ़ा दिया, तो ये थोड़ा सा रेशनलाइज नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि इस बजट में सबसे ज्यादा कोरोना की जो मार पड़ी थी वो था सर्विस सेक्टर, टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन जी। तो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार शायद एलटीसी को फिर से शुरू करेगी और इस टूरिज्म को और ट्रांसपोर्टेशन को रिवाइव करने के लिए कुछ रेशनलाइज किया जाएगा, हो सकता है एविएशन सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए एविएशन फ्यूल चार्जेस में भी कोई कटौती की जाएगी, एटीएफ में कोई कटौती की जाएगी, लेकिन सरकार ने तो यहाँ पर एकदम से बिल्कुल निराश कर दिया कि मिडिल क्लास को कोई राहत भी नहीं दिया और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसको भी बढ़ा दिया जी। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे तो निराशा हाथ लग रही जी। भूपेंद्र जी, कर्मचारियों को पेंशन में छूट दी गई है, पेंशन में जो टैक्स दिया जाता है उसमें छूट दी गई, साथ ही दिव्यांगों को भी टैक्स में छूट दी गई है, क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए कर्मचारियों को पेंशन में जो छूट दी गई है वो छूट पहले से ही है, बस उनको टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है। ऐसा कोई कोई उसमें रेट को लेकर के अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हो सकता है कि अभी आगामी जब बजट का डिटेल आए तो उसमें कोई बात की जाए। अभी तक ऐसा कोई ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि हम इसमें कोई देंगे। हाँ, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन था वो 14% कर दिया, 10% बढ़ा करके 14% कर दिया है। तो अभी उसको रेशनलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हमारे ख्याल से कर्मचारियों को जो डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू किया जाए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो बुढ़ापे की एक लाठी हुआ करती थी, सहारा हुआ करता था। तो लोगों का रुझान ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरफ है। ये एनपीएस को लेकर के अभी इससे मिडिल क्लास पर कोई बहुत फर्क पड़ेगा या मिडिल इनकम ग्रुप पर कोई? देखिए, सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर होता है ना, वो आपका जो ये सैलरीड क्लास है, यही सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। तो इस पर कोई अभी ये वर्ग बिल्कुल हताश और निराश है। जी, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को इस बजट से काफी लाभ मिला है, किस तरह से देखते हैं? आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे कि ये बजट अच्छा साबित हुआ है या फिर जो है ठीक है? दिलीप नहीं जी, नहीं ये बजट देखिए, ऐसा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में केवल एक बेनिफिट दिया गया है, वो कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटा करके 15% कर दिया गया है। जी अगर कुछ ये मिडिल इनकम क्लास को, एविएशन सर्विस सेक्टर और टूरिज्म को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि कोरोना की मार इनके ऊपर बड़ी ज्यादा पड़ी थी, तो इनको लेकर के अगर ये यहाँ पर निराशा हाथ लगी है, तो कुछ क्षेत्रों में खास करके एग्रीकल्चर को लेकर के उम्मीद के अनुसार सरकार ने कुछ घोषणाएं करी हैं, तो हम इस बजट को ठीक ठाक ही कहेंगे। बहुत ना तो बहुत अच्छा, ना तो बहुत बुरा। जी दिलीप जी, क्या कुछ सुधार हो सकते थे? आपका क्या मत है, मतलब कि इसमें क्या कुछ सुधार और होने चाहिए? शिक्षा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है स्वास्थ्य, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, और साथ ही रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? रक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया जाना अच्छी बात है। हमारे देश की सुरक्षा सबसे प्राइम प्राइम जिम्मेदारी है सरकार की, हम सबकी सुरक्षा प्राइम जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो रूटीन लाइफ है उसकी भी जिम्मेदारी निभाना सरकार के ही हित में आता है। उस जिम्मेदारी पर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बहुत सारी चीजें हो सकती थी, मैंने कहा ना कि जो आम जनता होती है उसको इनकम टैक्स से एक बड़ी उम्मीदें होती हैं कि भाई थोड़ा सा टैक्स लाइन बच जाएगा तो साल का मेरा 10-15 हज़ार रुपए का टैक्स बच जाएगा, तो उस टैक्स को मैं उठा करके कहीं इन्वेस्ट कर लूंगा, अपने भविष्य की सिक्योरिटी कर लूंगा, स्पेशली जो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं। तो वो चीजें नहीं हो पाई हैं। मतलब मैं जैसा था वैसा ही हूँ, ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। मुझे जो बर्डन पड़ रहे थे वो सारे के सारे बर्डन मेरे ऊपर आज भी हैं। बिजनेसमैन को भी कहीं कोई जो 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा है, उसके बावजूद सबका बिजनेस डाउन हो चुका है, तो उसको भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिला है। टैक्सेशन में अगर बेनिफिट मिलता तो शायद उसको भी रिलीफ आता। और ये जो इकोनॉमी की साइकिल होती है, वो इकोनॉमी की साइकिल नीचे से लेकर के ऊपर तक चलती है, बिल्कुल। तो नीचे वाले की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो अगले स्टेप पर मजबूत होगी, अगला स्टेप की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो उसको आगे मजबूत करेगी। तो ये साइकिल में मजबूती नहीं आई है, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। और हम अगर कहीं स्टैचुरी बाइंडिंग है हमारे ऊपर, तो वो स्टैचुरी बाइंडिंग तो निभाना हमारी मजबूरी है, हम उसको हम किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी जी और यशवर्धन जी, दिलीप यशवर्धन जी जुड़े थे, जो कि दोनों अर्थशास्त्री थे। दोनों ने अपना अपना मत रखा, और जिस तरह से आज बजट पेश किया गया है, जो चीजें सामने निकल कर आई है उनके ऊपर अपना अपना मत रखा, तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास इंसान है उसके ऊपर मार पड़ रही है। जैसा बजट चलता आ रहा था वैसा ही कुछ इसमें खास नहीं किया गया है। हालांकि चुनाव को देखते हुए जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि वोटरों को लुभाने की कोशिश है, जिस तरह से किसान नाराज थे उनको लुभाने की कोशिश की गई है, उनके लिए काफी चीजें आई हैं, कुछ फायदे आए हैं, वहीं रोजगार की बात भी सामने आई है। तो ये दो अहम ऐसी चीजें हैं जो वोट पे काफी असर डाल सकते हैं, चुनाव पे काफी असर डाल सकते हैं। हालांकि आम जो जनता है उसको जिस तरह से इनकम टैक्स और बाकी चीजों में राहत की उम्मीद थी वो कहीं कम दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बजट चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।